आनर्त के देश के राजा महाराज रेवत, उनकी पौत्री रेवती, ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने रेवती का विवाह श्री बलराम जी के साथ कर दिया। बोलो रेवती रमण भगवान की जय। बड़े भाई का विवाह न हो और छोटे भाई का विवाह हो जाए तो शास्त्र में उसको बड़ा भारी दोष माना गया, परिवेत्ता नामक दोष वो लगता है, उसकी संतति श्रेष्ठ नहीं मानी जाती है धर्मशास्त्र के अनुसार। इसलिए पहले दाऊ जी का विवाह, इसके बाद श्री कृष्ण का विवाह। हां एक परिस्थिति है, यदि बड़ा भाई सन्यासी हो जाए, ग्रह त्याग कर दे और छोटा भाई विवाह करे तो उसको दोष नहीं लगेगा, लेकिन उसने ग्रह त्याग नहीं किया, घर में ही है और उसने आज्ञा भी नहीं दी और छोटा भाई विवाह कर ले तो उसको दोष लगेगा। भगवान बलदेव जी का विवाह हुआ। बोलो रेवती रमण भगवान की जय। हमारे ब्रज में कहते हैं दाऊ दाऊ सब कहे मैया कहे न कोई, दाऊ के दरबार में मैया कहे सो। हमारे ब्रज में कामनाओं को पूर्ण करने वाले दो देवता प्रधान हैं, एक सात कोस वाले देवता गिरिराज जी, आज भी लाखों लोग परिक्रमा करते हैं गिरिराज जी की, एकादशी से पूर्णिमा तक तो ये स्थिति होती है कि कितने लाख लोग परिक्रमा कर जाते हो कोई पता नहीं, 2400 घंटे गिरिराज जी को मनुष्यों की माला पड़ जाती है। एकादशी से पूर्णिमा तक आप बीच में खड़े नहीं हो सकते, आप खड़े हो जाएं तो धक्का लगते लगते सात कोस घूम आएंगे, इतनी भीड़ होती है आज भी। इस भौतिक युग में दक्षिण भारत तक से लोग आते हैं एकादशी से पूर्णिमा के बीच परिक्रमा करके चले जाते हैं, ये सामान्य बात नहीं, वृंदावन नहीं जाएंगे और कहीं दर्शन नहीं करेंगे, गिरिराज जी आए परिक्रमा किए चले गए। ब्रज में सर्वाधिक आकर्षण गिरिराज जी का है, सबकी कामनाएं पूरी होती गिरिराज जी में। और दूसरे देवता हैं श्री बलभद्र महाप्रभु दाऊ दादा, दाऊ जी के यहां भी इतनी भीड़ होती है, अब बारह मास भीड़ होती है दाऊ जी के यहां, कामना की पूर्ति करने वाले दाऊ जी, बस कुछ इच्छा हो तो गाय के गोबर से स्वस्तिक बनाना पड़ेगा, गाय के गोबर के थापे लगाने पड़ेंगे, ध्वजा चढ़ानी पड़ेगी और रेवती जी से कहना पड़ेगा कि मेरी अमुक अभिलाषा है, आप दादा को कह देना जिससे फाइल पर हस्ताक्षर जल्दी हो जाए। हैं? इसलिए दाऊ के दरबार में मैया कहे सो होए, रेवती जी की मोहर लग जाती तब दाऊ दादा के यहां वो बात स्वीकृत हो जाती है। हमारे ब्रज को दाऊ जी ने बचाया। हाँ ऐतिहासिक सत्य घटना है स्वामी जी, औरंगजेब ने ये घोषणा की थी कि ब्रज का कोई भी मठ मंदिर नहीं रहना चाहिए, 84 कोस ब्रज में कोई भी देव प्रतिमा नहीं रहनी चाहिए। आप वृंदावन गए हैं, आपने वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर देखा है, जो स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, लाल पत्थर का मंदिर बनाया हुआ है महाराज जी, 7 मंजिल का था वो, इसमें 2 मंजिल है, वो 5 मंजिल औरंगजेब के तोड़े हुए हैं, विग्रहों को छिपा दिया गया था, जो विग्रह आज जयपुर में गोविंद देव जी विराजमान है वो उसी मंदिर के विग्रह है, और इस मंदिर को कैसे ध्वस्त किया जानते हैं,
इस 7 मंजिल के मंदिर के ऊपर जो शिखर था, उस शिखर में मणि की मंजूषा थी, और उस मणि की मंजूषा में एक गाय के घी का दीपक रखा जाता था रोज रात को, बड़ी बत्ती वाला, और उस मणि के कारण उस दीपक का प्रकाश पूरे वृंदावन में होता था रात को, और उसकी चमक औरंगजेब को दिल्ली से दिखाई पड़ गई। उसने पूछा कि ये आकाश में दूसरा ये क्या जल रहा है, चमक रहा है, चंद्रमा तो है पर ये चांद से भी अलग चमक वाला ये क्या चमक रहा है। तो लोगों ने कहा वृंदावन में गोविंद देव जी महाराज का मंदिर है, उनके मंदिर के कलश में जो दीपक रखा गया है वो दीपक चमक रहा है। क्रोध में भर गया, बोले इसको तो नष्ट करना है, सेना के सहित धावा बोल दिया। और जब आया तो आज भी कैलाशी वहां नीचे हनुमान जी हैं, गोविंद देव जी के मंदिर के नीचे भाले भाग में जब इधर से ऊपर चढ़ते हैं तो पहले एक हनुमान जी हैं, उन हनुमान जी का नाम है सिंहपौर हनुमान जी, मंदिर की सिंहपौर वहां थी पहले, प्रधान हनुमान जी हैं, वृंदावन के प्रधान हनुमान जी हैं वो। सिंहपौर हनुमान जी ने गोविंद देव जी से कहा कि प्रभो ये दुष्ट आपके मंदिर को नष्ट करना चाहता है, आप थोड़ी अनुमति दो तो इसको मजा चखाऊं। गोविंद देव जी कुछ नहीं बोले, 3 बार हनुमान जी ने पूछा, भगवान कुछ नहीं बोले। 4थी बार हनुमान जी थोड़े नाराज हुए, बोले मंदिर टूट जाएगा तब बोलोगे। भगवान बोले कलयुग भी हमारी बनाया हुआ है, मेरा मुंह बंद है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। दो मंजिल बचे थे केवल, 5 मंजिल तक टूट चुका था मंदिर। तब हनुमान जी से नहीं रहा गया, बोले ये तो देंगे नहीं, और अब लोग भूल जाएंगे कि वृंदावन में गोविंद देव का कोई मंदिर था। तो हनुमान जी ने गर्जना की, महाराज जी हनुमान जी ने गर्जना की तो जितने सैनिक थे सबके सब निष्प्राण हो गए, सबकी मृत्यु हो गई, सारे सिपाही सैनिक मर गए, एक भी जीवित नहीं बचा। कितने सैनिक थे महाराज? 10,000 सैनिक थे, सब मर गए एक साथ। आज भी मंदिर उसी स्थिति में है और हनुमान जी आज भी विराज रहे हैं, सिंहपुर के हनुमान जी। आज भी वृंदावन में सबसे अधिक भीड़ वहीं होती है हनुमान जी का दर्शन करने की। यहां से तो ये सोचा यहां तो बाद में करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हमारा हो गया, और कोई ब्रज में है जहां ज्यादा भीड़ होती है? तो लोगों ने कहा कि बलदेव जी में बहुत भीड़ होती, दाऊ दादा में, बोले दाऊ जी के मंदिर को नष्ट करना है। तो महाराज जी दाऊ जी ने बड़ा भारी चमत्कार दिखाया, औरंगजेब सेना के सहित मथुरा से चलता, मथुरा से बलदेव जी कितनी दूर है? बहुत दूर तो नहीं, दिन भर चलता और शाम हो जाती, पहुंच नहीं पाता। पूछता बलदेव जी कितने दूर है तो बताने वाले लोग कहते 8 कोस। कितने कोस? 8 कोस। महीना भर चला सेना सहित, और रोज शाम को पूछे कि अब और कितनी दूर है दाऊ जी, बोले 8 कोस। महीना भर चलते चलते 8 कोस पूरे नहीं हुए। बड़ा क्रोध में भर गया, बोले बड़ा विचित्र चमत्कारी देवता है भाई, इसकी तो खबर लेनी पड़ेगी नहीं तो इस्लाम खतरे में। तो उसने क्या किया, मथुरा के एक चतुर्वेदी ब्राह्मण को, वृद्ध ब्राह्मण को पकड़ लिया, बोले दाऊ जी पहुंचने का उपाय बताओ नहीं तो तुमको मार डालूंगा। ब्राह्मण बेचारा डर थर थर कांप गया, उसने सोचे प्राण तो बचाने चाहिए, दाऊ जी तो दाऊ जी कुछ ना कुछ लीला करेंगे। ब्राह्मण बोला देखो दाऊ जी मनोती के ठाकुर हैं, उनको मनोती मांगोगे तो पहुंच पाओगे वहां। मनोती जानते ना, कामना रखना। तो और आप आश्चर्य करेंगे, औरंगजेब ने मनोती किया
कि हम सवामन माखन और सवामन मिश्री ध्वजा और हीरों से जटित कंठा स्वर्णमय कंठा प्रदान करेंगे यदि हम दाऊजी तक पहुंच जाएंगे तो। और जैसी मनोती मांगी कि सेना के सहित वो बलदेव जी पहुंच गया। पहुंचते ही उसने कहा इधर से तो ध्वजा और कंठा सब लेके जा रहा था, वहां पहुंचते ही कहा कि मैं बुत परस्ती का विरोधी हूं, मैं किसी बुत उत को नहीं मानता, बुत माने मूर्ति, मैं मूर्ति नहीं मानता, तोड़ दो इस मंदिर को, तोड़ दो इस मूर्ति को। उसी समय करोड़ों करोड़ों की संख्या में मधुमक्खियां मंदिर से निकली और बड़ी बड़ी मधुमक्खी महाराज उन पर न तोप चले न तलवार चले, एक एक सैनिक पर हजारों हजारों मक्खियां चिपट गईं। जो दुर्बल दास थे वो मोटे दास हो गए, सब मोटे हो गए। महाराज ऐसा टॉनिक दिया दाऊ दादा ने कि दुबले पतले भी मोटे तगड़े हो गए, कितने की मृत्यु हो गई। औरंगजेब ही बहुत घायल हो गया। औरंगजेब ने किया अब क्या होगा, हाय तोवा मचा। बोले जो मनोती मांगी है उसको दो। कहा दिया दिया दिया, तब मक्खियां चली गई। आज भी बलदेव छठ पर और विशेष उत्सव के समय औरंगजेब के द्वारा दिया हुआ कंठा आज भी बलभद्र जी धारण करते हैं। वो ऐतिहासिक कंठा आज भी है। मंदिर और मूर्तियों का को भग्न करने वाले उस अत्याचारी अनाचारी से पुजाने वाले ठाकुर श्री दाऊ दादा, उसके बाद फिर ब्रज में औरंगजेब नहीं आया। बोले भैया एक एक देवता से कहां तक टक्कर लेंगे, और दाऊ जी ने ब्रज को बचा लिया। बोलो दाऊ दादा की। कथा आप सुन चुके हैं कि लग्न तो हो गई और रेवत महाराज तपस्या करने चले गए। विष्णु पुराण के अनुसार श्री रेवती जी सतयुग की और दाऊ दादा द्वापरांत के 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के दाऊ दादा, तो कद में बहुत अंतर था। दाऊ जी छोटे थे, रेवती जी बहुत ऊंची थी। बातचीत भी करना होता तो ऐसे बातचीत करते और रेवती जी नीची नजर करते, हाँ प्राणनाथ मैं ठीक हूं। द्वारिका की नागरियां हंसी उड़ाती कि ऐसी जोड़ी न भूतो न भविष्यति, बड़ी सुंदर जोड़ी है, ऐसी जोड़ी तो पहले कभी देखी सुनी नहीं गई। आहा, दाऊ जी को कौतुक सूझा और विष्णु पुराण के अनुसार दाऊ जी ने अपने हल्का स्पर्श रेवती की ग्रीवा पर कराया और एक झटका लगाया कि रेवती जी कंधे के बराबर हो गई। ये दाऊ जी ही कर सकते हैं। आप लोग इस प्रयोग को मत करना कि किसी की देवी जी लंबी हो तो बोले झटका देके उनको छोटी कर लो, या छोटी हो तो खींच तान के लंबी कर दो, ये आपके लिए संभव नहीं है, ये तो दाऊ जी के लिए ही संभव है। बोलो रेवती रमण भगवान की। अब यहां श्री सुखदेव जी एक विशेष बात कह रहे हैं। घड़ी दो। सुखदेव जी विशेष बात कर रहे हैं, भगवान अपि गोविंद उपये में कुरूद बह वैदर भीम भीष्मक सुताम श्रियो मात्राम स्वयं बरे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती साल्व आदि दुष्ट राजाओं को बलपूर्वक हराकर, जैसे गरुड़ जी महाराज अमृत का हरण करके देवलोक से आ गए, ऐसे ही श्री भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण कर लिया। परीक्षित ने कहा कि भगवान हमने सुना है
कि भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह रुक्मिणी जी से हुआ और वह भी राक्षस विधि से हुआ। ये सुनकर हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ये शास्त्र निषिद्ध है राक्षस विधि से विवाह, भगवान ने ऐसा क्यों किया? यद्यपि यह प्रश्न परीक्षित का उत्तम प्रश्न नहीं था। राक्षस विधि किसको कहते हैं? कन्या की भी इच्छा नहीं है, माता पिता की इच्छा नहीं है, बंधु बांधवों की इच्छा नहीं है, पर सबको मार कर हत्या करके बलपूर्वक कन्या का हरण कर लेता है और उससे विवाह कर लेता है बलपूर्वक, उसको राक्षस विधि कहा गया। उनको मार के या उनको परास्त करके बलपूर्वक कन्या छीन लेता, उसको राक्षस विधि कहते हैं। रुक्मिणी जी से विवाह राक्षस विधि से जिस कन्या से विवाह किया जाता है उसकी संतान श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। उसे धर्मज नहीं माना जाता, उसे कामज माना जाता है। कामज होने के कारण ऊर्ध्वदैहिक कृत्य करने की वह अधिकारिणी नहीं होती, पितृकर्म करने का अधिकार उसको नहीं होता। तो भगवान ये प्रश्न जो पूछा है परीक्षित ने, वो कहीं हम लोग मलिन बुद्धि वाले ऐसी बात न कहने लग जाएं, भगवान के विवाह को राक्षस विधि वाला विवाह न कहने लग जाएं, इसके लिए श्री परीक्षित ने ये प्रश्न पूछा है, ये समाधान होना उसका आवश्यक है। सबसे पहली बात, भीष्मक कौन है? भीष्मक साक्षात समुद्र देव ही है। समुद्र नारायण, समुद्र देव ही भीष्मक के रूप में उत्पन्न हुए। समुद्र के मंथन से विष उत्पन्न हुआ है। जो कालकूट विष है वो विष ही रुक्मी के रूप में उत्पन्न हुआ है। ये रुक्मी विष है, इसलिए विष का ही काम करता है, जहर का ही काम करता है। और श्री रुक्मिणी साक्षात भगवती महालक्ष्मी है, वैकुंठेश्वरी साक्षात जगन माता भगवती महालक्ष्मी है। भगवान उनके नित्य प्रियतम हैं और वह भगवान की नित्य प्रियतमा है। देवर्षि नारद जी महाराज कुंडिनपुर पधारे हैं, राजर्षि भीष्मक बड़े गौ ब्राह्मण और संतों के सेवक हैं, भक्त हैं, बड़े धर्मनिष्ठ हैं। उन्होंने देवर्षि नारद जी का चरण प्रक्षालन किया, अर्घ पाद्य मधुपर्क आदि निवेदित किया और प्रार्थना की कि भगवान हम गृहासक्त प्राणी, हमारे कल्याण के लिए कोई अच्छी बात सुनाइए। तब नारद जी प्रसन्न हो गए और नारद जी ने कहा कि भगवान स्वयं प्रकट होकर धरती पर लीला कर रहे हैं, उनके चरित्र से अच्छी बात और क्या हो सकती है। देवर्षि नारद जी ने वीणा बजा करके भगवान श्री कृष्ण के अवतार के प्रयोजन का स्मरण कराते हुए, ब्रह्मादि देवताओं ने कैसे भगवान का स्तवन किया और कंस कारागृह में कैसे भगवान का अवतरण हुआ और भगवान ने ब्रज में कौन कौन सी लीलाएं की और इसके बाद भगवान ने द्वारिकापुरी प्रकट की है, जो द्वारिका साक्षात भूवैकुंठ है, वैकुंठ ही द्वारिका के रूप में प्रकट है, भगवान वहां विराज रहे हैं। माने मथुरा में भगवान के आविर्भाव से लेके द्वारिका आने तक की संपूर्ण लीला देवर्षि नारद जी ने सुनाई। तैव पश्यन्त चिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। अब द्वितीय स्कंद में यही बात सुखदेव जी दोहरा रहे हैं। पिबन्ति ये भगवत आत्मनस्सतां कथामृतम्
श्रवण पुटे सुसंभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। साधु पुरुषों के मुख से, सत्पुरुषों के मुख से निश्रित आपके कथामृत को जो इन कानों के पुटकों में अर्थात दोनों में भर भर कर पीते हैं, पुटकम, ये दोनों हैं महाराज। माता जी, ये कान जो है ना, इनको ऐसा दोनों के आकार का भगवान ने क्यों बनाया? श्रवण में इनका क्या उपयोग है? बहरे के भी कान बड़े बड़े होते हैं, हमने देखे कई बहरे बड़े बड़े कान सुनते नहीं, इसका मतलब इस नक्शे का सुनने में ज्यादा कोई उपयोग नहीं है। हमारे न्याय शास्त्र में जो श्रवणेन्द्रिय का लक्षण है वो क्या है? श्रवणेन्द्रिय कर्ण कुहर वर्ती इंद्रिय को श्रवणेन्द्रिय कहा गया। कर्ण कुहर, कर्ण का जो कुहर माने छिद्र है, उसके भीतर जो इंद्रिय है वो श्रवणेन्द्रिय है, इसलिए कहते पर्दा फट गया अब सुनाई नहीं पड़ेगा। तो श्रवणेन्द्रिय बाहर नहीं है महाराज जी, ये बाहर उसका प्रकार है, वस्तु से श्रवणेन्द्रिय भीतर है। कर्ण कुहर वर्ती इंद्रिय ही श्रवणेन्द्रिय है। तो भगवान एक एक छेद बना देते, सुनने का काम हो जाता, बालों से छेद ढके रहते, पता ही नहीं चलता बिना कान का आदमी होता, सुनने का काम तो हो ही जाता। एक जगह हम बोल रहे थे कैलाश जी, तो एक सज्जन बोले महाराज चश्मा कैसे लगाते, ये कान नहीं बनाते थे। चश्मा, डंडी कहां रखते चश्मा की? चश्मा लगाने के लिए कान बना, चलो ठीक है, उनका भी ठीक समाधान कि भगवान ने चश्मा लगा। ये वस्तुतः चश्मा लगाने के लिए भी चश्मा तो, और किसी प्रकार से भी जब नहीं होते कान तो और कोई उपाय मनुष्य खोज लेता, पर ये दोनों के आकार के इसलिए बनाए हैं कि विवेकी बुद्धिमान मनुष्य चिंतन करे कि ये पात्र के आकार के क्यों हैं, जरूर इसमें कुछ भर के हमें पीना है। क्या भर के पीना है? पर निंदा पर चर्चा का विष पीना है कि श्री राम नामामृत और श्री कथामृत पीना है? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीतम कल्पशापम श्रवण मंगलम श्रीमदा ततम श्रवण के अव्यवहित उत्तर क्षण में मंगल करने वाली कथा है। इतनी कथा सुन लोगे तब मंगल हो गया ऐसा नहीं है, सुना नहीं कि मंगल हो गया। भुवि गृणन्ति ते, ऐसी कथा का जो गायन करते हैं ते भूरिदा जना, वे भूरिदा भूरिदा जना, इसमें अकार है,
भूरिदा अजना, सवर्ण दीर्घ हो गया, भूरिदा अजना भूरिदा जना। आप लोग कहेंगे अकार कहां से आपने घुसेड़ दिया, हमने तो कभी सुना नहीं था। हा, इसका आशय यह है कि वे देखने में मनुष्य के जैसे दिखाई पड़ेंगे पर उन्हें मनुष्य नहीं मानना। नते जनाह, नते जनाह इत्यजनाह, अजनाह वो अजन है, वो सामान्य मनुष्य नहीं है, ये तो भगवत रूप है। इसलिए कथा गायन करने वाले महापुरुषों को हम लोग मनुष्य नहीं मानते। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।